नमस्कार दोस्तों, स्किलिको मार्ट में आप सबका स्वागत है। जी हाँ, एक स्कीम जिसका नाम चल रहा है, आज हम उसकी कंप्लीट जानकारी देने आप लोगों को आए हैं। स्कीम का नाम है पीएम दक्ष और स्कीम की जो इम्प्लीमेंटेशन बॉडी है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है। सबसे पहले स्कीम को आप कहाँ पा सकते हो ऑफिशियली, आप pmdaksh.gov.in, आपकी स्क्रीन पर इसकी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा है, pmdaksh.dosge.gov.in। इस वेबसाइट पर आप जाएं और इस वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले आप स्कीम गाइडलाइन पर क्लिक कर सकते हैं। और एक है इनवाइटिंग टीआई फॉर एम्पैनलमेंट, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये स्कीम गाइडलाइन पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये भी देखिए दोस्तों, अभी रिसेंटली ये स्कीम गाइडलाइंस को रिवाइज किया गया है। दूसरा, जब आप इनवाइटिंग टीआई फॉर एम्पैनलमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपको वो एम्पैनलमेंट का लेटर मिल जाएगा जो आपके जो आसपास जो है वो सर्कुलेट हो रहा है। सबसे पहले इस लेटर की बात कर लेते हैं। लेटर 6 जुलाई 2023 को पब्लिश किया गया है। ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जो स्किल डेवलपमेंट में ट्रेनिंग करा रहे हैं उसको 2023-24 के लिए एम्पैनल करने के लिए आरएफपी निकाला गया है। इस आरएफपी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई ट्रेनिंग सेंटर है स्मार्ट एक्रीकेटेड, तो उस पर आप अपना टारगेट मांग पाएंगे। उसके लिए एक फिजिकल विजिट होगी। फिजिकल और एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट भी इंस्टीट्यूट इस स्कीम के अंदर अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर इस नोटिफिकेशन में देखें तो इसके पॉइंट 4th में साफ साफ लिखा है कि आपको जो ये इंफॉर्मेशन है वो 20/7/2023 तक आपको देनी होगी, यानी कि इसकी लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो 20/7/2023 है। और उसके अलावा अगर आपको कोई क्लेरिफिकेशन चाहिए तो आप दो ईमेल आईडी आपको दी गई है, उसके अलावा जो है ना दो आपको टेलीफोनिक नंबर भी दिए गए हैं जिनसे आप पता कर पाएंगे। दोनों ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, dharam.dgnst@gov.in और ganga.dharan@nic.in पर आप अप्लाई कर पाएंगे। कॉन्टैक्ट नंबर भी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों, इसमें तो कोई ज़्यादा जानकारी आपको दी गई नहीं गई है, इसके लिए आप गाइडलाइंस पे जाइए। इस स्कीम को अगर आपको समझना है तो सबसे पहले आप समझिए कि इसका नाम क्या है पूरा। पीएम मतलब प्रधानमंत्री और दक्ष का मतलब है दक्षता और कौशलता संपन्न हितगरी योजना। तो इस स्कीम की गाइडलाइन, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की स्कीम है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन कौन लोग कवर होते हैं। एससी, ओबीसी, ईबीसी, डीएनटी, सफाई कर्मचारी, वेस्ट पिकर, इन सबको मिलाकर ये स्कीम बनी है और स्कीम का नाम है पीएम दक्ष योजना। कौन कौन इसकी इंप्लीमेंटेशन बॉडी है? सबसे पहले नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल बैकवर्ड क्लास फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये इसकी इंप्लीमेंटेशन बॉडी होंगी। ऑब्जेक्टिव स्कीम का क्या है? इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है कि स्किल की जो अलग अलग ट्रेनिंग है उनके माध्यम से ज़्यादा सेल्फ और वेज एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जा सके, ताकि सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो सारे जो लोअर कैटेगरीज के लोग हैं उन तक भी पहुँच पाए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, पहला जो टाइप है वो आरपीएल है। आप जो स्किल में काम करने हैं वाले हैं वो सब लोग जानते हैं, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग। ठीक है दोस्तों, अगर उसके अलावा मैं बात करूं सेकंड स्कीम, वो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं। शॉर्ट टर्म कोर्सेज में अप टू 3 आवर्स की ट्रेनिंग को और 3 मंथ्स की 300 आवर्स या फिर 3 मंथ्स तक की ट्रेनिंग को शॉर्ट टर्म कोर्सेज में रखा गया है। अब एक नया प्रोग्राम इन लोगों ने ऐड किया है, वो एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम ADP, ये तीसरा प्रोग्राम भी इसी का पार्ट होगा। उसके अलावा लॉन्ग टर्म कोर्सेज जो 650 आवर से ज़्यादा के कोर्सेज हैं वो लॉन्ग टर्म कोर्सेज में होगा। तो अप्लाई करते वक्त आप ध्यान रखें कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, इन चारों कैटेगरी में से कोई एक कैटेगरी आपको चुननी पड़ेगी। कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कैंडिडेट मस्ट बी एससी, ओबीसी, बीसी, डीएनटी, सफाई कर्मचारी इंक्लूडिंग वेस्टर्न पिकर्स ऑफ इंडियन नेशनलिटी होना जरूरी है। 18 से 45 की उसकी उम्र होनी चाहिए। एनुअल इनकम ओबीसी है तो 3 लाख, ईबीसी है तो 1 लाख,
और कोई भी इनकम लिमिट नहीं लगी होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, आधार लिंक बैंक अकाउंट होना चाहिए और उसकी जो MSD के जो जॉब रोल हैं उससे क्वालिफिकेशन मैच होनी जरूरी है। ट्रेनिंग पार्टनर कैसे इम्पेनल होगा ये आपको बता ही दिया, अभी RFP निकाला हुआ है तो उसमें जाकर आप अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई के लिए आपके पास एक स्मार्ट सेंटर होना जरूरी है, उसके अंदर जो रिक्वायर्ड क्लासरूम, लैब, प्रोजेक्टर, स्क्रीन, व्हाइट बोर्ड वो सब होना चाहिए। क्लासरूम, लैब एज पर जॉब रोल स्पेसिफिकेशन होना चाहिए और आपके पास प्लेसमेंट टाई अप होना चाहिए। आप ध्यान रखें, इस प्रपोजल को फाइल करते वक्त ये जो पाँचों पॉइंट्स हैं उनकी भी आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इसके साथ सबमिट करना होगा। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर जो है आउटकम्स क्या रहेंगी, अपस्किलिंग प्रोग्राम, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम और एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम और लोक ट्रेनिंग प्रोग्राम, चार तरह की इसमें आउटपुट को लिया गया। अब आ जाइए दोस्तों, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि टारगेट कितना है। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है द फिजिकल एंड फाइनेंशियल टारगेट ड्यूरिंग 2021 एंड 22 टू 2025 टू 26 तक का। अब देखिए, अगर मैं टोटल टारगेट की बात करूं 2324 के अंदर, तो आपको एक टेबल देखनी पड़ेगी। 2324 में अपस्किलिंग में 6500 NSKFDC, 4300, फिर 5700 और फिर 7000। इसी तरह शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग का, उसके बाद लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग का, और इस तरह से टोटल जो है अपना जो टारगेट है वो 2324 के, अगर मैं टारगेट की बात करता हूँ तो 53900 नंबर का टोटल टारगेट होगा। तो 53,000 का टारगेट है इस स्कीम के अंदर, तो जल्दी से जाइए अपने स्मार्ट सेंटर पर, इसको अप्लाई कर दीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए होगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। ये टेबल आप यहाँ पे नीचे हमने लिंक क्रिएट कर दिया है, ये जो स्कीम गाइडलाइन है आप जाकर वहाँ पे टोटल टारगेट को और अच्छे ध्यान से देख पाएंगे। धन्यवाद।